तो फाइनली गाइज इवेंट खत्म हो गया है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट था, स्टार्टिंग में बोर लगा लेकिन थोड़ा एंड में जो है मजा आया। यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमको एप्पल वॉच 8 सीरीज देखने के लिए मिला, नेक्स्ट दोस्तों एप्पल वॉच SE सेकेंड जनरेशन देखने के लिए मिला और एप्पल वॉच अल्ट्रा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। अगली चीज एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिले और ऑब्वियसली आईफोन 14 सीरीज जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही चीज़ यहाँ पे आई है दोस्तों। जो लीक्स वगैरह पहले निकल के आए थे वही जो है लीक्स के मुताबिक यहाँ पे लॉन्च हुआ है। सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक मार देना, चैनल पे नए हो आईफोन से रिलेटेड ऐसे तरह के कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आईफोन 14 सीरीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे गाइस पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि प्राइसिंग को लेकर काफ़ी सारे लोग जो है एक्साइटेड है, बड़ा नहीं बड़ा क्या प्राइस है। तो आईफोन 14 यहाँ पे मैं मॉडल्स पहले बता देता हूँ, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, ये चार नए iPhones आए हैं। Max पहले जो है प्राइस जो है बता रहे थे नेम, लेकिन iPhone 14 Plus इसका जो है नाम रख दिया। 6.1 इंचेस का iPhone 14 है, 6.7 इंचेस का iPhone 14 Plus है, 6.1 इंचेस का iPhone 14 और iPhone 14 Pro Max 6.7 इंचेस का। प्राइसिंग की बात करते हैं एज इट इज जो है सेम प्राइसिंग है iPhone 14 की, जो 80,000 रुपीज़ है वही प्राइसिंग है। iPhone 14 Plus की जो प्राइसिंग है वो 90,000 रुपीज़ है और प्रो मॉडल्स की प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। iPhone 14 Pro का प्राइस जो है 130,000 रुपये और iPhone 14 Pro Max का प्राइस है 140,000 रुपये, तो 10,000 रुपये यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ गई है। अगली चीज़ दोस्तों यहाँ पे नॉन प्रो मॉडल्स को जो है लेने का कोई मतलब नहीं बनता है बिकॉज गाइज यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो लीक्स वगैरह आए थे, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, वैसे ही हुआ यहाँ पे गाइज। तो जो मेरे हिसाब से नॉन प्रो मॉडल्स जो है आईफोन 14 का जो है लेना मेरे हिसाब से मतलब नहीं है बिकॉज गाइस यहाँ पे आपको जो है सेम एग्जैक्ट 6.1 इंचेस की OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। चेंजेस की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ जो एक ब्लू कलर का यहाँ पे एक नया कलर आया है, कैमरास में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया, फ्रंट कैमराज के अंदर जो आपको जो अभी ऑटो फोकस देखने के लिए मिलता है, रियर कैमराज के अंदर थोड़े बहुत जो इंप्रूवमेंट्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने किए हैं। वही A15 बायोनिक चिप आपको देखने के लिए मिलेगी, वही आपको जो है एल्यूमिनियम का फ्रेम और साइड में आपको जो है ग्लास, साइड में एल्यूमिनियम का फ्रेम, फ्रंट और बैक में सिरेमिक सील ग्लास देखने के लिए मिलता है। तो मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं है तो कोई जो है मतलब नहीं बनता है इस फोन को परचेस करने का। आईफोन 13 इससे अच्छा लेना, इसका ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप भी हो गया है 65,000 रुपीज़ में, आपको आईफोन 13 ऑफिशियल एप्पल के स्टोर पर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आईफोन 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जो इंटरेस्टिंग हमको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले दोस्तों प्राइसिंग तो आपको पता है बढ़ गई है 10,000 रुपीज़, लेकिन सबसे बड़ा मेन यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का हमको जो है मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको एक्शन मोड देखने के लिए मिल जाता है बेटर स्टेबलाइजेशन के लिए। A16 बायोनिक चिप आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे फीचर्स की मैं बात करूँ तो क्रैश डिटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, अगर गाइज आपका कार में एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम पे डिटेक्ट कर लेगा। यही फीचर आपको जो है एप्पल वॉच 8 में भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे गाइज आपको बार बार टैप करके टाइम वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। 1600 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, पीक ब्राइटनेस आपको दोस्तों 2000 निट्स की देखने के लिए मिल जाती है। एक यहाँ पे नया इन्होंने कलर ऐड कर दिया है बस एक, और एक एक बात यहाँ पे दोस्तों फ्रंट कैमरे के अंदर आपको नया फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, फ्लैश को अपग्रेड कर दिया, 3 times बेटर रहेगी फ्लैश कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो। यहाँ पे आपको जो फोटोज़ वगैरह में थोड़ा इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलेगा और लो लाइट में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट्स किया है लो लाइट फोटोज़ वगैरह के अंदर और कैमराज के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया। देखते हैं 48 मेगापिक्सल कैमरा किस तरीके से जो है परफॉर्म करता है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा हमारे लिए इनफ था, लेकिन 48 मेगापिक्सल में क्या जो है क्वालिटी निकल के आती है, क्या चीज़ होती है, हमको जो है पता चलेगा। ऑल डे ब्राइट बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे दोस्तों 4 नए जूम ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको 0.1, 1, 2x और 3x देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे ऑब्वियसली नॉच यहाँ पे मतलब आपको जिस तरीके से लीक्स वगैरह से पहले आई थी वैसे ही देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे डायनामिक आइसलैंड आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ेदार पॉपअप वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहीं से आप जो है कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकेंगे, यहीं से कोई भी चीज़ आपको एडिट वगैरह करनी है वो आप कर सकेंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिखी है। अगली चीज़ तो मेरे हिसाब से गाइज मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स या 14 प्रो मैक्स के लिए तो नहीं जाना चाहूँगा, एक्सेप्ट अगर मेरे को कैमराज की ज़रूरत नहीं है तो। अगर आपको जो है कैमराज वगैरह की जरूरत काफ़ी ज़्यादा है तो आप उस टाइम पे प्रो सीरीज़ के लिए जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो है मेरे हिसाब से आप लोग उतना ज़्यादा कैमरा यूज़ भी नहीं करते तो बेटर रहेगा कि आईफोन 13 सीरीज़ में ही कोई एक आईफोन ले लेना, अपने पैसे आप आराम से जो है बचा सकते हैं। अगली चीज़ एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, सेम डिज़ाइन है, सिर्फ यहाँ पे चिप जो है नहीं, यहाँ पे इन्होंने दिए H2 चिप और यहाँ पे टच कंट्रोल फॉर वॉल्यूम। मतलब दोस्तों पहले आपको पता होगा
कि हम जो है वॉल्यूम वगैरह अपने फ़ोन से ही करते थे, बट यहाँ पे दोस्तों एयरपॉड से दोस्तों अपना वॉल्यूम कम जो अप एंड डाउन कर सकते हैं आपके मुताबिक, और एक आपको 6 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाती है $249 के साथ में जो स्टार्ट होने वाला है। एप्पल वॉच अल्ट्रा के बारे में बात करते हैं, टाइटेनियम का आपको फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है, ब्राइटेस्ट डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है, न्यू एक्शन बटन इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 3 माइक्स मिल जाते हैं, 36 आवर्स की आपको जो है बैटरी लाइफ मिल जाती है, साथ ही दोस्तों न्यू आपको फेसेस मिल जाएंगे, नाइट मोड आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ लोग जो है आईफोन्स के अंदर ज़्यादातर इंटरेस्टेड है, काफ़ी कम लोग दोस्तों एप्पल वॉच वगैरह परचेस करते हैं, और एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन भी उतना ज़्यादा मेरे को जो है वर्थली नहीं लगता, उससे बेटर ये है कि एयरपॉड्स 2 या एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन है वही आप जो है परचेस कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग मेरे को कॉमेंट करके बताओ कि कौन सा आईफोन आप जो है लेने वाले। iPhone 13 ऑब्वियसली मेरा जो सजेशन रहेगा, प्रो मॉडल्स के लिए जाना चाहते हैं तो उस टाइम पे जा सकते हैं, अगर एज ए आप जो है फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के लिए देख रहे हो तो उस टाइम पे आपके लिए बेटर रहेगा प्रो सीरीज, और जो है नॉन प्रो सीरीज परचेस करने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, उससे बेटर ये कि iPhone 13 परचेस करो, और जो लोग 13 से अपग्रेड करना चाहते हैं 14 पे वो लोग जो उनको जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आपको पसंद आया, कैसा आपको इवेंट लगा, क्या कुछ आपको नया देखने के मिला, सारी चीज़ें बताना, और डेडिकेटेड वीडियो भी इसके ऊपर जल्दी आएगी, तो ये जो जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना दी आपको अपडेट देने के लिए, और क्यों नए वीडियो भी जो है कल आने वाला था उसके आप जो स्टे ट्यून्ड रहना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे डीएम करो कोई भी क्वेश्चन है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।